तो गाइस आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लॉगर यश पे। तो हमारा पहला फूड ब्लॉग आ चुका है, आपको एकदम नई चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे फूड ब्लॉग। और इसमें है हमारे पास एक बम्पर सरप्राइज आपके लिए। उसमें क्या है ये देख सकते हो आप, खाना हमने मंगवाया है। तो ढाबे का नाम था उस्ता ढाबा, तो यहाँ का बहुत फेमस ढाबा है देहरादून का। और आपको एड्रेस वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें, और जो हमारे इनके जो ओनर है उनका भी नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने मंगवाई है धर्मेंद्र थाली, तो यहाँ की बहुत फेमस थाली है। इसकी कॉस्ट है 399 रुपीज़, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है अभी हम देखेंगे। तो लेट्स गो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पैकिंग अभी तक जो मैंने देखा है इज़ टू गुड, क्योंकि लस्सी भी है, लस्सी अभी तक आई है, बिल्कुल स्पिल नहीं हुई है ज़रा सी भी। तो पैकिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी है अभी तक, हम आगे का देखेंगे इसमें। तो दो थैली है अभी, हम देखते हैं एक एक करके क्या है इसमें। तो गाइस ये देखिए, तो ये सारा हमारा मटेरियल है जो हमें मिला है हमारी धर्मेंद्र थाली में। तो अब हम देखते हैं एक एक करके ये है क्या क्या। तो ये जो है ये पालक कोफ्ता है, ये देखिए, तो दिखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब बाकी खा के पता चलेगा ये, और इनको अभी हम बाद में देखेंगे। ये आई गेस हाँ, तो हमारी फेवरेट जो पूरी दुनिया को ही पसंद होती है ऑलमोस्ट, दाल मखनी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आई गेस ये हमारा है कढ़ाई पनीर। जी हाँ, कढ़ाई पनीर हमें मिला है। और ये मटर मशरूम, ये देखिए, तो ये मटर मशरूम हो गया। और आई थिंक इसमें होंगे हमारे, ये है हमारे छोले। जी हाँ, तो हमें छोले भी मिले हैं, तो काफ़ी मस्त मज़ा आ जाएगा आज, ये देखो। और साथ में कढ़ी की सब्ज़ी, कढ़ी पकौड़ा, तो ये कढ़ी पकौड़ा हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी सब्जी होगी, देख लो एक बार। और ये पालक कोफ्ता, और आपका दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मटर मशरूम, छोले, और बाकी ये जो है ये है हमारा मिक्स्ड रायता। तो पहला आज मेरा फूड ब्लॉग है ये, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको सब कुछ इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये है हमारा पूरा, साथ में इन्होंने ये भी दिए हमें, ये है प्याज और चटनी। तो ये देखने मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्याज चटनी मिली है हमें, क्योंकि प्याज चटनी के बिना ये सब अधूरा लगता है। और बाकी ये है खीर, तो इसमें वाली चम्मच में नहीं डाल रहा हूँ, दूसरी चम्मच से आपको ये भर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो खीर यार कितनी एकदम एकदम टेक्स्चर देखो आप खीर का, जो सब इसमें होना चाहिए एकदम बढ़िया से डाला हुआ है। और बाकी सब्जियाँ देखो आप कितनी कूल लग रही है यार, सही में सब, बस अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ बस फटाफट से मैं इसको खाना स्टार्ट करूँ। और आपको ये दिखाना है अभी हमें रोटियाँ। गाइस देखो यार आप, ये है हमारी चार बटर नान, बटर रोटी, तंदूरी रोटी कुछ भी हम कह सकते हैं। ये देखो आप क्या मस्त एकदम तंदूर से गर्म है, मतलब खाना भी एकदम गर्म मिलेगा आपको। इसको हम साइड करते हैं वापस बंद करके, और हम दूसरा पैकेट ले लेते हैं। दूसरा पैकेट देखते हैं इसमें क्या है, क्या है, पूजा पूजा। हाँ, तो ये हम थोड़ा सा ही आपको दिखा देते हैं ये जहाँ तक। हाँ, तो ये है आलू, आलू नान, जी आलू नान, आलू पराठा एक चीज़ है। तो ये हमें मिली है इसमें, इसको बंद करके रखते हैं साइड, सब आप इनको निहारो। ये देखो क्या सॉलिड सब्जी है यार, बस खाना है आप जल्दी से। ये देखो अब आते हैं हम इस पर, ये हमारी अब बचा है एक चीज़, तो ये है हमारी, ये देखो यार क्या टेक्सचर है यार, पनीर नान तो सही लग रही है। तो बाकी हम अब स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली अपना रिव्यू। वैसे एक चीज़ और रह गई है, एक तो ये चावल, सही क्वांटिटी है चावल की, क्योंकि रोटी खूब सारी है, पराठे है, और ये लस्सी है। लस्सी को अभी हम रख देंगे फ्रिज में, बाद में हम इसको खोल देंगे। तो गाइस यार अब हमारा टाइम आ गया है कि हम आपको कुछ ट्राई करके बताएं। तो हम करते हैं पहले दाल मखनी ट्राई। तो दाल मखनी ये मतलब प्रॉपर पंजाबी जैसा एकदम स्पाइसी, और मखनी का फ्लेवर जो आता है वो इसमें आया है। तो दाल मखनी पास है, बाकी देखते हैं। बाकी देखो यार चटनी और प्याज भी मिला है, तो इसको तो ऐसे उठाओ अब खा जाओ। ये देखो
बाकी बहुत ही डिलीशियस है यार खाना सही में ही। अब हम ट्राई करना चाहेंगे मटर मशरूम। मटर मशरूम ये रियली में स्पाइसी भी है, जो लोगों को कई लोगों को पसंद आता है ढाबे के खाने में। थोड़ा सा रायता भी ट्राई करते हैं। ये देखो आप रायता, ये रायता देखो सही टेक्सचर है। गाइस यार जो पनीर की सब्जी है ना वो मैंने खाई, बहुत ही औसम है यार। और आप देखोगे ना सब्जियों का, और जो वो है ना रॉयल पनीर है एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना राजा है ये, बहुत ही सही यार। मटर मशरूम ने तो भाई अपना जलवा दिखा दिया मटर मशरूम ने। तो मैं एक बार को आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ये सब मस्ट ट्राई है, आपको आपको करना ही चाहिए ये वाली थाली को ट्राई। इस थाली का नाम है धर्मेंद्र थाली, ढाबे का नाम है उस्ता ढाबा देहरादून रेस कोर्स, और वहाँ आपका नंबर जो है उनके ओनर का हरजीत सिंह जी का, उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो आपको ये सेम प्राइस में 399 में आपको ये थाली देते हैं, और बहुत ही अमेजिंग थाली है, सही में मज़ा आ गया, मतलब सही में मेरी तरफ से वाह वाह भाई। पता है यार ये जो होता है ना ये प्याज और चटनी, जैसे अंग्रेजों का होता है चेरी ऑन द केक, वैसे ढाबा फूड के ऊपर ये प्याज और चटनी ये होता है हमारा चेरी ऑन द केक। तो ये है सही में असली कॉम्बिनेशन। तो यार अब आइए हमारी जो हमारा, अच्छा जैसे हमारी बटर जो नान थी ना वो हार्दिक पांड्या था, तो ये विराट कोहली है टॉप ऑफ द टीम। तो ये हमारा क्या है पनीर नान, तो हम इसके साथ ट्राई करेंगे दाल मखनी। Awesome combination, must try combination। तो भाई अब मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी सब्जियां बता दी कैसी है, एकदम बताने की बात ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया है ऑसम जिसको कहेंगे छोले, बहुत ही खतरनाक एकदम मसालेदार। देखो तो इसको ज़रूर खाओ आप, एक बार तो मंगवाओ प्लीज़ मेरे कहने पे ये थाली। और खीर भाई, खीर ये हमने खाई, खीर की जो बात अलग ही है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल पर है खीर। ये सब एक जगह, ये देखो ये सब एक जगह, खीर बिल्कुल अलग, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ थी। अब मेरे हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सा इन चावल भाई का भी रिव्यू कर लेना चाहिए, तो चावल भाई का रिव्यू हो जाए। ये गया, कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी है, कड़ी जैसी होनी चाहिए, और जो इसका पकौड़ा है वो बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब अंदर एकदम मसाले का स्वाद आ रहा है ये। गजब यार, पकौड़ा भी खा के देखेंगे हम थोड़ा सा। पकौड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। कड़ी डालो कड़ी मिलाओ, चावल लगाओ और खाओ। ये ऑसम, क्या खाना है भाई सही में। लस्सी का अलग रिव्यू होगा भाई, लस्सी भी अलग लेवल पे है। ये एक साथ ये रोटियां अलग, ये खीर अलग, और लस्सी अलग, लस्सी का अलग रिव्यू होगा। गाइस यार लस्सी जो है भाई, आप लुक चेक करो, क्या लुक में भेजा है यार सही में। कुल्लड़ का ग्लास में उन्होंने इतनी दूर से रेस कोर्स से यहाँ तक भेज दिया पैक करके। मेरे तो कई लोग होते हैं थैली में बंद कर देते हैं और उसको अपने ग्लास में डाल के पियो, लेकिन असली फील तो भाई इसी में ही आती है। और थैंक्स टू द रेस्टोरेंट जिनका है कि उन्होंने मेरे को पूरा कुल्हड़ के अंदर ही इन्होंने पूरा डिलीवर करा। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग थी, दो पैकेट बंधे हुए थे, एक थैली थी ऊपर से रबड़ बैंड, तीन चार रबड़ बैंड से बांधा हुआ था, तो गुड पैकिंग। तो स्पिल प्रूफ था, बिल्कुल स्पिल नहीं हुआ मेरा किसी भी, कोई भी चीज़ मेरा सारा खाना रखा है, कोई भी चीज़ किसी भी थैली में कहीं पर भी स्पिल नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात लगी। तो अब जो है हम इसका रिव्यू कर लेते हैं।
तो उसका रिव्यू करने के लिए मुझे अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी आपको, तो लेट्स गो। तो पीते आप, सबसे अच्छी बात ये जो लस्सी में दही है ना, इनके घर की है, श्योर घर की है, ये अमूल की मदर डेरी इनकी नहीं है। बाहर की नहीं हो सकती ये भाई, ये अलग चीज़ है, ये बहुत अलग चीज़ है। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं जो इन्होंने, और एकदम बहुत मीठी नहीं है। कई लोगों को लगता है लस्सी होगी बहुत मीठी होगी, बहुत मीठी नहीं है, अच्छी है, मतलब लेस मीठी है और बिल्कुल फ्लेवरफुल है। दही भी मीठी है, क्योंकि ऑसम चीज़ है यार, यही चाहिए था। मतलब इतने स्वादिष्ट खाने के बाद इतने डिलीशियस मज़ा आ गया सही में खाने को खा के, तो उसके बाद अगर कुछ ऐसा मीठा मिल जाए ठंडा ठंडा तो मज़ा आ जाता है। खीर एक अपने लेवल पे थी, देखो खीर अलग थी। और आपको एक स्पेशल मैं बात बताऊँ ना, तो जितना भी खाना था, जितनी भी सब्जियाँ थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जियाँ, इन 6 सब्जियों में किसी का भी स्वाद, किसी का भी स्वाद एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। सबका एकदम अलग फ्लेवर था। छोले बिल्कुल अलग, मटर मशरूम एकदम अलग, कढ़ी एकदम अलग, पालक का जो कोफ्ता था वो बिल्कुल अलग, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी सब एकदम अलग। मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रेवी में कर दिया, इन्होंने बहुत मेहनत से और अलग अलग फ्लेवर देके चीज़ों को बनाया है। तो अब बातों को छोड़ के एक सिप और ले लेते हैं हम इसकी, फिर अब हमारी वीडियो एंड करते हैं हम लोग। चीयर्स। ऑसम भाई, ऑसम। अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। तो अगर आपको ये फूड ब्लॉग है, आपने देखा होगा जैसे वेजी पाजी वगैरह है और दिल से फूड, ये सब फूड ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने सोचा है क्यों ना हम भी कर ही ले, जब इतना हम लोग भी फूडी तो है ही, तो हमने फूड ब्लॉग करा। और अगर आपको ये फूड ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना। सारे जो ढाबे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी गई है। एक बार ये धर्मेंद्र थाली ज़रूर ऑर्डर करना, और अगर वो आपसे बोले कि खीर एक्स्ट्रा आप ले लीजिए, आपको अच्छी लगेगी, खीर एक्स्ट्रा लीजिए, तो ज़रूर लेना, क्योंकि मैंने ये गलती करी, मैंने खीर नहीं ली और खीर सही में बहुत टेस्टी थी। तो खीर लेना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फूड ब्लॉग अब मैं लाता रहूँगा, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो फूड ब्लॉग आते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी सारे देहरादून वालों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से शेयर कर दो, सब लोग बैठ के एक साथ ही धर्मेंद्र थाली को एंजॉय करो। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।